और सुनाओ पल्लवी, और क्या हो रहा है? तुम्हारे क्लासेस कैसे चल रहे हैं? और मैंने सुना है तुम हर क्लास अटेंड करती हो। कॉलेज भी शायद इसलिए जाती हूँ, है ना? I don't believe in banking classes. Your next ordinary student. लो, कॉफी लो। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बचपन से सिंसियर रहने की आदत पड़ गई है और वो अभी तक बदली नहीं। That's why you're such a scholar. और मैंने सुना है तुमने 10th में स्कूल में टॉप किया था। किया तो था। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल ही आइसोलेट करके रखा हुआ था। नो फ्रेंड्स, नो मिलना जुलना, टीवी देखना बंद, सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई की आदत पड़ गई, अच्छे मार्क्स आए और फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी भी लगने लगी। तुम्हारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? आई मीन शी मस्ट बी अ टफ पर्सन। यस शी इज। एक्चुअली माय मदर हैज गॉन थ्रू अ लॉट और अब वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोस्ट पर है और वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ा और वो दिन ब दिन स्ट्रिक्ट हो गई। And what about your dad? वो क्या करता है? I lost my father when I was 4 years old. Sorry. मम्मी और पापा की लव मैरिज हुई थी और उसकी वजह से मम्मी को किसी का सपोर्ट नहीं मिला। पापा की मौत के बाद मम्मी बहुत अकेली हो गई और इन सब चीजों ने मम्मी के दिल में एक कड़वाहट पैदा कर दी जिससे मैं भी नहीं बच सकी। आमतौर पर माँ प्यार, दुलार ये सब देती है और पापा सख्ती से डिसिप्लिन सिखाते हैं। मेरे पापा तो रहे नहीं लेकिन उनकी कमी मम्मी ने पूरी कर दी। लेकिन मम्मी की जगह हमेशा खाली रही। कभी कभी वो बहुत ही पोजेसिव हो जाती है, बहुत ही स्टबर्न। ये होना है मतलब यही होना है, ये चाहिए मतलब ये चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो टू वेज अबाउट इट। और फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। अरे झगड़ा तो मेरे और डैड के बीच में भी होता है यार, और लेकिन उसका जो दी एंड होता है ना वो हम दोनों के हंसने में होता है क्योंकि हम दोनों रियलाइज करते हैं कि हम दोनों के झगड़ने का मुद्दा एक ही था। कभी कभी बात बढ़ भी जाती है जैसा कि हाल में हुआ था। हाँ, रिश्तों में झगड़ा होना जरूरी है लेकिन कुछ हद तक, वरना बार बार के झगड़े रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। जैसे ही दुख बांटने से कम होता है वैसे ही खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन कितनी अजीब बात है, मेरी खुशी सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहती है। मैं अपने मम्मी को अपनी खुशी में शामिल नहीं कर पाती। और सच पूछो तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के इतने पास होकर भी एक दूसरे के कितने दूर हैं।